हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं आलोक शुक्ला तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने हूँ। टाइम एंड वर्क पे कार्य और समय, जिसने अभी तक कोई भी लेक्चर ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में ही पहला दूसरा देख लें, फिर तीसरा स्टार्ट करें, क्योंकि अभी इस टॉपिक में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, थोड़े से कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी तक जैसा कि हमने देख लिया है कि सबसे पहले क्लास में ए और बी होता था, उसके बाद में ए बी और सी आता था, तीन लोग आते थे। अब क्या है कि यहाँ पे दो भी रहेंगे तीन भी रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। कॉन्सेप्ट क्या अलग होगा कि अभी तक जो काम दोनों साथ मिलके कर रहे थे वो कुछ ऐसे कंडीशन बन जाएंगे कि बीच में कोई एक छोड़ के चला जाएगा, कुछ दिन कार्य करेगा फिर छोड़ के चला जाएगा, या ऐसा हो सकता है कोई नया व्यक्ति आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई छोड़ के चला जाए। तो कहने का मतलब कि कार्य और समय के इस टॉपिक में कोई ना कोई कार्य छोड़ के जा रहा होगा। उसमें दो कंडीशन होंगी, एक आपका कार्य शुरू होने के बाद, दूसरा कार्य शुरू होने के पहले। कुछ ऐसे भी प्रश्न हम देखेंगे जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ में हो रही होगी। और भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें अल्टरनेट डेज पे एक दिन के बाद दूसरा आता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा आता है, ऐसा देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना अपना समय गवाए हुए जाता। हाँ, तो अभी तक जैसे हम देख रहे थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, और अगर दोनों मिलके साथ करें तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते थे, ये तीन यहाँ पे दो, दोनों मिलके 5, 30/5 यानी कि 6 दिन। लेकिन अभी कंडीशनल होगा। कंडीशनल क्या होगा, कंडीशंस इसमें होंगे कुछ। कंडीशंस मतलब कि कार्य शुरू होगा और कुछ दिन बाद कोई छोड़ के चला जाएगा। जैसे अभी मैं कहूँ कि कार्य दोनों मिलके शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन के कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। या दूसरा क्या पूछ सकता है, कुल कार्य समाप्त करने में कितना समय लगा। तो इस कंडीशन को हम देखने के लिए सबसे पहले समझेंगे आखिर कंडीशन क्या क्या बन सकती है, उसके बाद इसे एक टाइम एंड वर्क के लाइन से देखेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो। कंडीशन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। कंडीशन पहला होगा कि कार्य शुरुआत हुआ और उसके बाद, आफ्टर, कार्य शुरू होने के बाद कोई चला जाता है। हो सकता है ए चला जाए, या हो सकता है बी चला जाए, या जो भी होगा उसमें कोई कंडीशन देगा, कोई ना कोई चला जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कार्य खत्म होने के कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले, बिफोर का कंडीशन आएगा, उसमें ए चला जाएगा या बी चला जाएगा या जो भी दिया होगा, ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा। ऐसा हो सकता है कि ये और ये दोनों, आफ्टर का भी केस आ जाए, बाद का भी केस आ जाए और बिफोर का भी केस आ जाए, तो हम वहाँ पे कैसे लगाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कार्य कोई अकेला शुरुआत करे, ए शुरुआत करे, कुछ दिन बीतने के बाद बी भी आ जाए, है ना, फिर कितना समय लगेगा कार्य होने में। तो ऐसे सारे कंडीशंस को देखने के लिए हम एक बार एक टाइम एंड वर्क की लाइन को पहले समझते हैं कि आखिर वो क्या है, ताकि हम उसे और अच्छे से समझ पाएं। तो देखते हैं, समझेगा अभी। वो एक अलग बात है कि ए कार्य 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। एक मैं लाइन आपको समझाता हूँ, ये एक लाइन है, ये टाइम एंड वर्क की लाइन है। टाइम एंड वर्क का लाइन क्या कहता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। इसमें एक तरफ आपका टाइम चल रहा होता है और दूसरी तरफ आपका वर्क चल रहा होता है ना। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कार्य होगा। भाई अगर दो लोग कार्य कर रहे हैं तो एक घंटे में 10 काम कर रहे हैं, हो सकता है 2 घंटे में तो 20 काम करेंगे, 3 घंटे में 30 काम करेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कार्य भी बढ़ता चला जाएगा। हम इस लाइन से दिखा रहे हैं कि टोटल टाइम हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आया और इतने दिन में टोटल कार्य हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब इसे थोड़ा क्वेश्चन पे समझते हैं। जैसे उसने बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन दोनों कार्य करने के बाद ए कार्य को छोड़ के चला जा रहा है। समझिएगा, कार्य दोनों शुरू कर रहे हैं एक साथ करना, लेकिन एक दिन के बाद ए कार्य को छोड़ के चला जा रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसा वो बोला है यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ तो वर्क होना स्टार्ट होगा, लेकिन करने कौन आया, ए आया और बी आया, दोनों लोग साथ में कार्य करने के लिए आए। ये काम मैं पहले भी बोला हूँ कि आपको सारे प्रश्न में करना है, दोनों लिख लेना है, उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम आप ले लोगे, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्लियर।
दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दिन का कार्य हुआ, यहां से हम टाइम की तरफ बढ़े तो कितना, एक दिन का कार्य बीत गया। एक दिन के कार्य करने के बाद ए छोड़ के चला जाता है, ए जो है वो क्या हो गया, चला गया। अब अगर ए चला गया तो बाकी कार्य जो यहां से यहां तक बचा हुआ है वो कौन करेगा, बी करेगा। तो यहां से यहां तक का कार्य करेगा कौन, केवल बी करेगा। अब बस इसी कंडीशन में पुट कर दीजिए, जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे हमें करना है। अगर दोनों मिलके एक दिन कार्य कर रहे हैं तो एक दिन का ही तो ये कार्य है ना, जो कुल कार्य क्षमता होती है ये एक दिन की निकालते हैं हम, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कार्य कर लेंगे, 5 कार्य कर लेंगे। तो यहां से यहां तक 5 कार्य हो जाएगा। जब यहां से यहां तक एक दिन बीता तब कितना कार्य हो गया, 5। लेकिन कार्य कितना था आपके पास, 30 था। कार्य अगर 30 था उसमें से 5 कार्य हो गया है तो यहाँ पे कार्य कितना बचेगा, 25 ही तो बचेगा भाई। 30 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 25 कार्य किया जाना अभी बाकी है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से ए तो चला जा चुका है, अब कौन करेगा, बी करेगा। तो यहीं से वो प्रश्न उठाना शुरू करता है, बचा हुआ काम, शेष कार्य या रिमेनिंग वर्क को करने में बी को कितना समय लगेगा। तो बस भाई शेष कार्य है 25 और करने वाला है बी, तो बी अपने कार्य क्षमता के अनुसार ही तो कार्य करेगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा। तो कार्य करना है उसे 25 और उसकी कार्य क्षमता है 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 25/2 या 12 सही 1/2 दिन उसे लगेंगे। बात समझ में आ गई है। इब मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन आए बिफोर या आफ्टर का, ये आफ्टर का केस है, बोल रहा है कि कार्य यहाँ से शुरू हुआ और एक दिन बाद ए छोड़ के चला गया, हम इस टाइम एंड वर्क के लाइन से समझेंगे। और एक बार आपको टाइम एंड वर्क का लाइन समझ में आ गया तो ऐसे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकते, कभी नहीं गलत हो सकते, ठीक। तो एक बार आप इस पर लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी आप लेक्चर देखने बैठे तो अपने बागल में एक कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि जब भी ऐसा कुछ मैं क्वेश्चन बोलूँ तो साथ में करने की भी कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। उससे क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा अपने से चलेगा तो जल्दी से समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कार्य शुरू करते हैं किंतु एक दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ कार्य या शेष कार्य बी कितने दिन में कर लेगा। शेष कार्य बी 12 से 1/2 दिन में कर लेगा। यही भी ये क्या पूछ सकता है कि कुल कितना समय लगा कार्य को खत्म करने में, मतलब कुल कार्य को खत्म करने में कितना समय लगा। तो भाई जब आपने ये निकाल लिया कि इस शेष काम को बी करने में 12 से 1/2 दिन लग रहे, तो ये यहां से लेके यहां तक का समय है कि नहीं, इतनी बात क्लियर आ रही है। लेकिन इससे पहले एक दिन बीत चुका है, तो अगर पूरा कार्य हम कंसीडर करेंगे तो इसी में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/2 दिन। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे तो कुछ ही समय में आप इसे एकदम सही कर पाए और उसमें गलती भी कोई ना हो। तो आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 20 दिन में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा डेटा चेंज कर दिया है, मैं फिर से इसे रफ कर दे रहा हूँ ताकि फिर से आपको समझा पाऊँ अच्छे से। साथ साथ आप करते रहिए वीडियो पॉज करके, तुरंत इस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी बताया आप तुरंत लगाने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कार्य करना शुरू करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, ए ही जा रहा है, हाँ ए जा रहा है, तो शेष कार्य बी कितने दिन में कर लेगा। भाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, यहाँ पे कार्य क्षमता ए की 2 आएगी, इसकी कार्य क्षमता 1 आएगी, दोनों को जोड़ लेंगे तो कार्य क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगी। टाइम एंड वर्क की लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कार्य शुरू करता कौन है, ए और बी कार्य करने आता है, लेकिन 5 दिन तक ये कार्य करते हैं, 5 दिन तक कौन कार्य कर रहा है, ए और बी दोनों कार्य कर रहे हैं 5 दिन में।
तो अगर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? 15 काम कर लेंगे। वेरी गुड, 15 काम अगर ये कर लेंगे तो कार्य कितना बचेगा? भाई कार्य था 20, 15 काम खत्म हो गया, तो यहां से यहां तक कितना कार्य बचा है? 5 कार्य बचा है। लेकिन पांचवें दिन कौन चला गया था? ए चला गया था। तो कार्य कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। और अगर बी कर रहा होगा तो बी अपने कार्य क्षमता से ज्यादा कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उसे 5 कार्य किया जाना है और उसकी कार्य क्षमता क्या है? 1। तो बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में कर लेगा? 5/1 यानी कि 5 दिन में कर लेगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता कुल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ तो क्या कहते? 5 दिन तो ये और इससे पहले भी तो 5 दिन बीता है, तो 5+5=10 दिन आपका टोटल उत्तर हो जाता। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रहा है? आप हाँ या ना बोलते रहा करिए, बताते रहा करिए, नहीं हो तो कमेंट में लिख दिया करिए हाँ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे आ गया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, राम श्याम और मोहन कोई काम अलग अलग राम श्याम और मोहन कोई काम अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, जो काम है वो मान लीजिए कुछ गड्ढा उड्ढा खोद रहे हैं, खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में कर लेंगे? देखिए अभी तक ये हमने 2 पे कंडीशन किया, अगर यहाँ पे 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कंडीशन बनती चली जाएगी। हम समझते हैं इसे, पूरा रफ्का दे रहा हूं। अभी कौन कौन है? राम है, श्याम है और मोहन है। मैं केवल पहले लेटर से लिख रहा हूं, ठीक है। राम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। श्याम 12 दिन में कर रहा है और मोहन 15 दिन में कर रहा है। यही है क्वेश्चन आपका। सबसे पहला काम तो आप कर लोगे, इन तीनों का क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आपको याद हो गया होगा। ये 6, ये 5 और ये 4, इतना काम तो आपको सारे प्रश्न में करना ही है। पहले दिन ही मैंने बता दिया था, पहले लेक्चर में बता दिया था कि ये आपका होना है, इतना काम आपको करना है। अब हम आते हैं टाइम एंड वर्क के लाइन में और उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे भाषा को उसने बोला है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन से हम अपने उत्तर पे पहुंचेंगे। तो ये बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, जो तीनों मिलके इस गड्ढे को खोद रहे थे, यानी कि राम श्याम और मोहन तीनों आते हैं जैसे ही समय शुरुआत होता है, तीनों ने काम करना शुरू किया। लेकिन 2 दिन बाद श्याम खुदाई छोड़ के चला जाता है। जैसे ही 2 दिन बीतता है कौन चला जा रहा है? श्याम चला जा रहा है। अभी देखिए अगर 2 दिन तक तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों के मिलकर कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। एक दिन में 15 कार्य करेंगे तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 30 कार्य कर लेंगे। तो 30 कार्य यहां तक समाप्त हो गए। बात क्लियर है? अभी ये 30 कार्य समाप्त हो गया है तो कार्य कितना था कुल? 60। 30 खत्म हो गया तो बचा कितना? 30 ही तो बचा। 60 में से अगर 30 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 30 कार्य बचेगा। यानी 30 कार्य बचा है, लेकिन अब करने के लिए कौन है? श्याम जान चुका है, तो यहाँ पे राम और मोहन है कार्य को करने के लिए। तो जो कार्य कर रहा होगा हमें उसी की तो कार्य क्षमता चाहिए। भाई राम और मोहन कार्य कर रहा है तो हमें इसके श्याम की जरूरत है? नहीं जरूरत है। भाई राम और मोहन की कार्य क्षमता की जरूरत है, तो राम की कार्य क्षमता 6, मोहन की कार्य क्षमता 4, दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कार्य बाकी है 30 और उनकी कुल कार्य क्षमता है 10, यानी 3 दिन वो और लेंगे बचे हुए कार्य को करने में। इसी में पूछता कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दिन यहां से यहां तक और 2 दिन इसके पहले का, तो क्या हो जाता? 3+2=5 दिन आपका हो जाता। समझ में आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं, बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा बी 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? इसे मैं रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन आप तब तक और अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके आप
पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। कह रहे कि ए बी सी तीन लोग हैं, ए है बी है और सी है। ए 10 दिन में किसी कार्य को अकेले कर ले रहा है, बी 15 दिन में कर ले रहा है और सी 20 दिन में कर ले रहा है किसी कार्य को अकेले। यदि बात क्लियर हो गई। फिर कह रहे कि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी। इस बात को पहले हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 60 आएगा, ये 6, ये 15, 64 और ये 3। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा काम हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क की लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले कार्य करने कौन आ रहा है। सबसे पहले कार्य करने तीनों आते हैं, तो ए बी और सी तीनों कार्य करने आएंगे, किंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है। तो 2 दिन बाद कार्य कौन छोड़ के जाता है, ए जाता है। फिर अगली लाइन में बोल रहा है कि 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप भाषा पे ध्यान दे लें तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत होगा, लेकिन अगर आप भाषा ही गलत पढ़ लिए तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इसने बोला कि 3 दिन बाद बी छोड़ के जा रहा है। 3 दिन बाद कहाँ से, इनिशियल से 3 दिन बाद। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे, अगर ये बोलता कि उसके 3 दिन बाद, मतलब ए के 3 दिन बाद, तो हम क्या बोलते, 2 दिन ये और इसके 3 दिन बाद, मतलब कितना, 5 दिन बाद। लेकिन क्योंकि वो बोल रहा है कि 3 दिन बाद उसके शब्द का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा 3 दिन। बात क्लियर हो रही है। तो 2 दिन बाद ए छोड़ के जा रहा है और 3 दिन बाद बी छोड़ के जा रहा है, बस इतनी सी कंडीशन है। अब इसी कंडीशन पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 दिन बाद ए छोड़ के जा रहा है तो 2 दिन तक तो तीनों कार्य करेंगे, 2 दिन तक तीनों कार्य करेंगे, तो भाई 1 दिन में 13 कार्य कर रहे हैं, 6 4 10 3 13, तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 13 2 26, 26 कार्य ये यहाँ से यहाँ तक समाप्त कर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 3 दिन बाद बी छोड़ के चला जा रहा है, तो 2 से 3 दिन में कितने दिन का अंतराल है, 1 दिन का। भाई 2 दिन से तीसरे दिन पे जाएंगे तो 1 ही दिन तो बीतेगा, तो इस 1 दिन में कौन कार्य कर रहा होगा, बी कर रहा होगा और सी कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ए तो जा चुका है, जो गया वो कहाँ कार्य करेगा अब, तो बी और सी कार्य कर रहे हैं। बी और सी 1 दिन कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य कर सकते हैं मैक्सिमम, भाई 1 दिन में बी 4 कार्य करेगा, सी 3 कार्य करेगा, दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 7 कार्य करेंगे। तो 7 कार्य यहाँ से यहाँ तक के बीच में हो गया, यानी 26 कार्य ये हो गया, 7 कार्य ये हो गया, तो टोटल कितना कार्य बीत गया, 33 कार्य खत्म हो गया। 60 में से अगर 33 कार्य निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 27, यानी 27 कार्य किया जाना है, और इस 27 कार्य को कौन करेगा, ए भी जा चुका है, बी भी जा चुका है, तो बचा है केवल आपके पास सी, यानी इस 27 कार्य को सी करेगा, और इसे करने में इसके द्वारा लिया गया समय, कुल किया गया जो कार्य किया जाना है बटे उसकी कार्य क्षमता, तो सी की कार्य क्षमता है 3, यानी कितना समय लेगा। अब इसी में पूछता कि सी पूरा कार्य खत्म होने में कितना समय लगा, तो 9 दिन तो इसके बाद लगा है और इसके पहले 3 दिन और बीत चुका है, तो कितना हो जाता, 9 + 3 = 12 दिन आपका उत्तर हो जाता। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जो पूछा है प्रश्न में, 9 दिन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है इतना तक, चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ ना बोलते रहा करिए आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया, तो बताइए ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए, अगर क्वेश्चन आप सही से पढ़ लिए हो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और एक बार अपने आप से समझिए कि आपको आखिर इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत कहाँ पे हो रही है। अगर हो जाता है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका है, थोड़ी मेहनत और बाकी है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है, ताकि ऐसे प्रश्न जब आपके परीक्षा में आए तो कुछ समय में ही आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे लगा लिया होगा, है ना, जिनसे नहीं आया होगा वो देख लें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ए और बी है, है ना, गेम में कौन है, ए और बी है, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलके, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं,
ए और बी किसी काम को साथ मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बोल रहा है, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया। बी ने काम छोड़ दिया, फिर बी ने काम छोड़ दिया शेष काम को, ए ने अकेले 20 दिन में किया, तो बताइए ए अकेले कितने दिन में कर लेगा। अभी देखिए, मैं आपको बताता आ रहा हूं कि यहाँ पे जो भी दिया हो उसका आप एलसीएम ले लो, वही आपका क्या हो जाएगा, कुल कितना कार्य किया जाना है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समस्या आई कि ए प्लस बी तो 30 दिन में कर ले रहे हैं, लेकिन ना तो ए का मालूम है ना तो बी का मालूम है, तो फिर आप आगे प्रोसीड कैसे करो, है ना, दिक्कत आई। तो आप यहाँ पे समझिए, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैं बताया था, शायद आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब आप क्या करिए, यहीं पे आप इतना ही कार्य मान लीजिए, जितना समय लग रहा है इसी को आप क्या मान लीजिए, कार्य मान लीजिए। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या बिठा रहा है, बोल रहा है कि ए और बी दोनों साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ए और बी दोनों कार्य करना शुरू करते हैं, फिर उन्होंने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। कब तक काम किए, 20 दिन तक काम किए। तो भाई अगर एक दिन में एक काम करेंगे तो 20 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 20 कार्य कर लेंगे। कहने का मतलब ए और बी मिलके 20 दिनों में 20 कार्य तो समाप्त ही कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है, इसके बाद कौन, बी ने काम छोड़ दिया, और अगर यहाँ पे बी चला जाता है तो बचेगा कार्य कौन करने के लिए, ए करने के लिए, और कितना कार्य करेगा, 10 का। भाई कार्य था आपके पास 30, 20 कार्य आपका हो चुका है, तो बचा कितना, 10, करने वाला कौन है, ए। अब क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, इसीलिए वो आपको हिंट दे रहा है कि बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, यानी इस 20 दिन में वो कितना कार्य कर रहा है, 10 कार्य कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो 20 दिन में अगर 10 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10/20 यानी कि 1/2 कार्य करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। यानी ए अगर एक दिन में आधा कार्य करता है तो यही तो उसकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता की परिभाषा मैंने क्या बताया था, किसी के द्वारा एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसका कार्य क्षमता कहलाता है। यानी कि हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए की कार्य क्षमता क्या है, आधी। तो अगर एक ही कार्य क्षमता आधी है, दोनों के मिलके एक है, दोनों मिलके एक काम करते हैं जिसमें आधा कार्य एक करता है, तो आधा कार्य कौन करेगा, बी ही तो करेगा। कैसे आया वो, 1 - ½ यानी कि ½। इतनी बात क्लियर हुई, तो बी की कार्य क्षमता भी पता चल गई। लेकिन हमें यहाँ पे बी की निकालने की जरूरत नहीं थी, उसने बस इतना पूछा था कि अगर ए अकेले पूरा कार्य करता तो कितना समय लेता, तो पूरा कार्य 30 था और उसकी कार्य क्षमता 1/2 थी, तो कितना हो जाता, 60 दिन। इसी में ये पूछ लेता कि बी कितने दिन में पूरा कार्य कर लेता, तो बी के भी कार्य क्षमता आधी है, तो बी का भी 30/1/2 कितना हो जाता, 60। यानी ए भी 60 दिन में कर लेता, बी भी 60 दिन में कर लेता, और दोनों 60 दिन में कर लेंगे तभी तो दोनों मिलकर 30 दिन में कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका लोअर में भी इस बार पूछा गया था, सीट का ही क्वेश्चन है, जो मैंने सीट आपको पहले प्रोवाइड की थी। जो नए बच्चे आ रहे हैं परेशान मत हो, सीट वगैरह सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लगा हुआ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक लगा हुआ है, व्हाट्सएप का भी लगा हुआ है, सबका लिंक आपका लगा हुआ है। आप वहां से आप हमें डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन, कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से, जीएस से, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कहीं पे भी अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। जो हमारी टीम है, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो आपके इन प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, आप एकदम निसंकोच होकर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, परीक्षा से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो, अगर हमें मालूम होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ तो पूछते ही रहते हैं, आप लोग भी पूछे जो नए बच्चे आ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार तो लाइक तो जरूर किया करिए, सब्सक्राइब तो चैनल आप कर ही लिया करिए, ताकि ये आपके हित की बात है, मेरे हित की तो बात मान लीजिए है ही है, लेकिन आपके हित की भी बात है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो वीडियोस मिलती रहेंगी जैसे ही अपलोड होगी, बेल आइकन भी दबा दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन सब
बातों को हट के पढ़ना ज्यादा जरूरी है, पहले उस पर फोकस होइए, बाकी काम तो होता रहेगा। हाँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अगर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा और लोअर की परीक्षा दिए होंगे या पेपर देखे होंगे तो याद भी आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन कुछ भी अलग नहीं है, सेम अभी इससे पहले जो क्वेश्चन के एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज कर दिया गया और भाषा को आपको थोड़ा घुमा दिया गया है। जो पहली बार प्रश्न देखे थे वो परेशान हो गए कि ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया, जो लगाए थे पहले ही उनके लिए तो आसान हो ही गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है, आदमी है, आदमी को मैं आदमी मतलब ए से रिलेट कर दे रहा हूँ और लड़का है तो उसे एल से रिलेट कर दूंगा, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, 24 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। फिर कह रहा है अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे, बोल रहा है कि लास्ट के 6 डेज में कौन कार्य कर रहा है, केवल ए कर रहा है, आदमी कर रहा है ना। फिर ये बोल रहा है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, ऐसा करने में जो कुल कार्य की अवधि है वो कितने दिन ली है, 26 दिन। ये बात आपको क्लियर है, यहां से मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहां से यहां तक का कितना टाइम बीता है, 26 दिन बीता है। ठीक, अब बोल रहा है लड़का अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेगा। अभी देखिए, आप इतने से केवल इंफॉर्मेशन से कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से एकदम रिलेटेड कैसे है। बस आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा कर रहा हूँ कि ए प्लस एल कितने दिन में कर ले रहा है, 24 दिन में कर ले रहा है। मैंने बताया कि जब कुछ नहीं मालूम हो तो आप यहीं पे क्या कर लो, उसी को कार्य मान लो, इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी, इतना काम हो गया, कोई बात नहीं। अब उसने बाकी चीजें गायब किया, तो उसने एक हिंट दिया कि लास्ट के 6 दिन में कौन कार्य कर रहा है, केवल आदमी कर रहा है, और कार्य कितने दिन तक चला है, 26 दिन तक चला है। तो इस 26 दिन में अगर पीछे से 6 दिन की हम बात करें यहाँ पे, तो इससे पहले कितने दिन बीता भाई, इससे पहले अगर 26 में से 6 माइनस कर दे तो कितना दिन बीता, 20 दिन बीता कि नहीं बीता, यहाँ पे बात क्लियर हो रही है, यहां से यहां तक 20 दिन और यहां से यहां तक 6 दिन, तभी तो सब मिलकर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये बात क्लियर हो रही है। तो बस यही क्लियर हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसे मैं मिटा दूं और मैं ये कहूं कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 20 दिन तक वो कार्य करते हैं, फिर शेष कार्य को आदमी 6 दिन में करता है, तो आदमी अकेले कितने दिन में कर लेगा या लड़का अकेले कितने दिन में कर लेगा। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा भाई, एक दिन में इसे मैं थोड़ा ये 26 हटा दूं और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि 20 दिन तक दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, अगर एक दिन यहाँ पे कर लें, थोड़ा बीच में कर लें, दोनों मिलके 24 दिन में, ये 24 ये एक, अगर 20 दिन तक दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो 20 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 20 कार्य कर लेंगे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, 20 कार्य यहाँ पे खत्म हो गया, कार्य कितना था टोटल, 24, यानी यहाँ पे कितना कार्य किया जाना बाकी है, 4 कार्य किया जाना है, 4, और अब ये 4 कार्य कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, अंतिम 6 दिनों में, यानी 6 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2/3, आदमी एक दिन में 2/3 कार्य कर रहा है, यही तो इसकी कार्य क्षमता है। बस हमें यहीं पे पता चल गई ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2/3, तो लड़के की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 - 2/3 यानी कि 1/3। उसने पूछा क्या, पूछ रहा है कि लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो कार्य है आपके पास 24, कार्य है 24, उसकी कार्य क्षमता है 1/3, तो कितना समय लग जाएगा, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन कुछ और नहीं, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था, केवल उसने एक लाइन लिख दिया कि कार्य 26 दिन में टोटल समाप्त हुआ है और अंतिम के 6 दिन में आदमी कर रहा है, तो बस हमें यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेना था कि जब 26 दिन तक कार्य गया है और 6 दिन लास्ट के आदमी किया है, तो 20 दिन तक तो दोनों कार्य किए होंगे, बस क्वेश्चन को हमें इस हिसाब से सोच लेना था और कर लेना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस केवल लैंग्वेज के साथ खेला था। देखिए, UP SSC में, खासकर UP SSC की बात करें या TCS की बात करें, हमेशा क्वेश्चन के साथ कुछ नया करना चाहता है, कुछ नए क्वेश्चन आपके साथ डालेगा, कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम करेगा,
कुछ आपको सोचने पे मजबूर करेगा। पहली बात तो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए अब दिन पर दिन पेपर का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता चला जाएगा। एक बात थोड़ा समझिएगा, किसी भी पेपर में 30% लगभग आपका इजी होता है, 30% लगभग आपका 30-40% है ना, और भी ज़्यादा हो जाता है, ये मॉडरेट होता है, और बाकी 25-30%, ये 35% भी हो सकता है, क्या आता है आपका टफ आता है। तो जब उससे क्वेश्चन को थोड़ा पेपर लेवल को थोड़ा और बढ़ाना होता है तो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस इस पर होना चाहिए, ये तो आपकी रैंक बनाता है, सिलेक्शन आपका ये करवाता है। चलिए बात पे हम बात भी डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक दिन तक एक साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है तथा शेष काम को बी अकेले 3 दिन में समाप्त करता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से वीडियो पॉज करिए, तुरंत आप इसका उत्तर निकालिए और तुरंत कमेंट में आप इसका उत्तर फटाफट देना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 2 दिन में कर ले रहे हैं। मैंने बताया था कि जब आप कार्य कुछ न दिया हो तो इसी को कार्य मान लेंगे, तो यहाँ पे कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। फिर वो बोल रहा है कि दोनों मिलके साथ में 1 दिन तक कार्य करते हैं, कार्य करने कौन आ रहा है, ए और बी आ रहा है, कितने दिन तक, 1 दिन तक, तो 1 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 1 कार्य कर लेंगे। कार्य कितना बचा है, हाँ कार्य बचा है 1। फिर छोड़ के कौन जा रहा है, ए छोड़ के चला जा रहा है, तो बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को 3 दिन में कर ले रहा है। 1 दिन में अगर 1 कार्य समाप्त हो गया तो बचा कितना, 1 कार्य, और इस 1 कार्य को बी कितने दिन में कर ले रहा है, 3 दिन में कर ले रहा है, क्योंकि ए तो जा चुका है। तो 3 दिन में अगर 1 कार्य कर रहा है तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1/3, और यही उसकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। तो बी की कार्य क्षमता 1/3 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा ए अकेले उसे कितने दिन में कर लेगा, तो बी की कार्य क्षमता यदि 1/3 है तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1-1/3 यानी कि 2/3। ए की कार्य क्षमता 2/3 है, कुल कार्य 2 है, तो 2/2/3 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 दिन इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए किंतु एक कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 23 दिन में समाप्त किया, तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आगे है, मैंने बताया था क्वेश्चन के जो स्टार्टिंग करेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक ऐसे ही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, लेकिन आप इसे करने की कोशिश करिए और फिर मैं भी बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी कोई है, ए किसी कार्य को 45 दिन में कर ले रहा है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर ले रहा है, तो सबसे पहला काम तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 360 इसका एलसीएम आएगा, तो ये कितना जाएगा, 45 दूना 90 और 9 36 यानी कि 8 है ना, ये कितना जाएगा, 9। दोनों का कार्य क्षमता भी हमें पता चल गया। अब इतनी बात अगर पता चल गई तो हम इंफॉर्मेशन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं किंतु एक कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 23 दिन में किया। तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप टाइम एंड वर्क की लाइन ड्रॉ करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं मतलब कार्य करने कौन आया, ए और बी आया। अब इस क्वेश्चन में अंतर केवल इतना है कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं लेकिन ये नहीं पता है कि कितने दिन बाद कार्य छोड़ के जा रहा है। अभी तक ये पता होता था कि कार्य मिलकर शुरू कर रहे हैं लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद कार्य छोड़ के कोई जा रहा है, लेकिन इसमें सेंटेंस कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है एक कुछ दिन बाद, कुछ की बात कर रहा है, काम छोड़ के चला जाता है और बी शेष काम को 23 दिन में करता है। यहां पे ए चला गया और अगर ए चला गया है तो शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो जब हमें यहाँ का कार्य नहीं पता तो हम शेष कार्य भी नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि हमें अभी ये भी नहीं पता है कि कुल कार्य कितना किया जाना है या बी ने 23 दिनों में कितना कार्य किया।
तो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे ए चला गया है और कार्य केवल बी किया है और बी यहाँ से यहाँ तक कार्य खत्म करने में 23 दिन लिया है, तो भाई बी अपनी कार्य क्षमता से ज्यादा तो कार्य कर नहीं सकता है। एक दिन में कितना कार्य करेगा? बी 9 कार्य करेगा और अंतिम के 23 दिन में वही कर रहा है अकेले, तो 23 दिन में कितना काम कर लेगा? 23 × 9, ये बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 27, 2 × 9 = 18, 2 = 20। ठीक, यानी कि 207 काम बी करेगा कितने दिन में? इस 23 दिन में। इस 23 दिन में बी जो है 207 काम करेगा, तो कार्य कितना अभी किया जाना बाकी है? 360 में से ये 207 काम हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 153 काम आ जाएगा। अब 153 काम को कौन किया होगा? 153 काम यहां पे खत्म हुआ होगा, लेकिन यहां पे काम करने के लिए ए और बी दोनों मौजूद थे, तो ए और बी दोनों मिलके 153 दिन में 153 काम को कितने दिन में किए होंगे वो हम कैसे निकाल लेंगे? 153 बटे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9, 8, 7। क्लियर? यानी कि हम इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दिन। अभी ये 9 दिन है क्या, बात समझिए। ये 9 दिन वो है जब ए और बी दोनों मिलके साथ किए कार्य किए हैं, तो यही तो पूछ रहा था ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला जा रहा है। तो यहां से जैसे 9 दिन बीता ए कार्य छोड़ के चला गया, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। तो एक बार आप समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पे डेटा ना दे, आपके लोअर में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जब यहाँ पे डेटा ना देगी कि आखिर कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, तो लास्ट से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जब 23 दिन लगातार बी कार्य अकेले कर रहा है तो 23 दिन में कितना कार्य करेगा? 9 के एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में 207 कार्य कर लेगा, और ये 207 कार्य वो अकेले कर रहा है तो बचा हुआ कार्य दोनों मिलके करेंगे, तो बचा हुआ कार्य कितना था? 153। 153 कार्य ए और बी मिलके कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितने दिन में कर लेंगे वही उतने ही दिन बाद ए छोड़ के गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज है, एक बार देख लेते हैं कि ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम तो हम इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 60 ही आएगा, 3 ही आएगा, 5। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है वहां पे समझते हैं। क्वेश्चन इस बार कह रहा है कि केवल कौन आ रहा है पहले? शुरुआत में बी आ रहा है, तो अगर पहले बी आ रहा है कार्य करने के लिए, ए नहीं आ रहा है, तो बी ही करेगा। कितने दिन तक करेगा? 9 दिन तक करेगा। तो अगर एक दिन में 5 काम, तो 9 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 45 कार्य कर लेगा। अब बोल रहा है कि इसके बाद, उसके बाद शेष कार्य ए करता है, मतलब यहां से यहां तक गया किया, फिर बी चला जाता है और इसकी जगह पे कौन आता है? ए आता है। बात क्लियर हुई? बी चला जाता है और ए चला आता है, तो यहां तक तो बी ने किया कार्य और यहाँ पे कार्य कौन करेगा? ए करेगा। तो कितना कार्य बचा है? 15 कार्य बचा है। कर कौन रहा है? ए कर रहा है। उसकी कार्य क्षमता 3 है, तो उत्तर आ जाएगा 15/3, यानी कि 5 दिन। तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, ए एक काम को 14 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? अभी देखिए, कंडीशनल हम लोग देख रहे हैं, तो कंडीशनल में एक तो हमने केस देखा कि कार्य शुरू होता है, क्या क्या देख चुके? कार्य शुरू हो रहा है, यहां से कार्य स्टार्ट हो रहा है और कुछ दिन बाद कोई छोड़ के चला जा रहा है। कौन कौन आ रहे हैं? ए और बी शुरू में कार्य करने आ रहे हैं, बीच में ए चला जा रहा है या बी चला जा रहा है, एक कंडीशन ये बनी। दूसरी कंडीशन क्या बनी आपके पास? कि कार्य शुरू करने कोई केवल ए आ रहा है और फिर ए चला जा रहा है और इसकी जगह पे कौन आ रहा है? बी आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्य बी कर रहा है शुरू, उसके बाद यहाँ पे उसे ए भी ज्वाइन कर लेता है। तो इस वाले केस में यहाँ से यहाँ तक तो ए कार्य किया और फिर आगे कौन करेगा? बी करेगा। लेकिन इस केस में यहाँ से यहाँ तक केवल बी कार्य किया और आगे कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों करेंगे।
अभी कंडीशन थोड़ा एक अलग बन रहा है, ये कह रहा है कि कार्य शुरू हो रहा है, ठीक। अब इसमें यह नहीं पता है कि कितने दिन बाद कोई कार्य छोड़ के जा रहा है, ये पता है कि कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले, कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले कोई छोड़ के जा रहा है। तो इस केस को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आखिर इस केस में क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे हम एग्जाम में लगाएंगे। तो क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है अपने स्क्रीन पे भी लगा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, बताता हूं कैसे होगा। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में कर ले रहा है, 21 दिनों में कर ले रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो हम इतना काम तो कर ही लेंगे, 14 और 21 का एलसीएम, 7 × 6 = 42 है ना, 21 का पहाड़ा भी करके कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2, दोनों की कार्य क्षमता में पता चल गई, एक ही कार्य क्षमता 3, एक ही कार्य क्षमता 2। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है भाई, हमने टाइम एंड वर्क की लाइन ड्रॉ करी, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं, ए भी दोनों कार्य करने के लिए आ गए, फिर क्या बोल रहा है, किंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य यहां पे समाप्त हो रहा है तो उससे 3 दिन पहले, अभी तक हो रहा था कार्य शुरू होने के इतने दिन बाद, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कार्य समाप्त होने के इतने दिन पहले, तो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन जा रहा है, ए चला जा रहा है, बस इतनी सी बात है। वो पूछ रहा है कि काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, मतलब कि कुल काम समाप्त होने में कितना दिन लगा है। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा है जो जा रहा है हम उसे दोबारा वापस बुलाएंगे, क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो जा रहा है उसे हम दोबारा बुलाएंगे, बोलेंगे भाई तुम जाओ मत, तुम आओ काम करो। तो अगर मैं इसे दोबारा बुलाऊंगा, किसे, ए को बुलाऊंगा, मतलब कि ए जा नहीं रहा है, ठीक, ए अगर दोबारा आएगा तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, बात समझ में आ रही, पहले कंडीशन थी कि ए जा रहा था लेकिन मैंने बोला कि भैया तुम जाओ मत, आओ काम करो, वो आएगा तो काम करेगा, तो कितना कार्य कर लेगा, अपनी कार्य क्षमता से ज्यादा तो कर नहीं सकता, उसकी कार्य क्षमता कितनी है 3, तो 1 दिन में 3 कार्य करेगा, और कितने दिन के लिए बुलाए हो भाई, 3 दिन पहले जा रहा था तो 3 दिन के लिए तो बुलाए हो, तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 1 दिन में 3, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 9 कार्य कर लेगा, यानी कि ये 9 कार्य यहाँ पे और कर लेगा, तो ये कुल कार्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, पहले कार्य 42 था, अभी हमने उसका भी कार्य जोड़ दिया, तो कुल कार्य पहले के कार्य से बढ़ के कितना हो गया, 51 हो गया, बस यहीं पे क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो गया। अब आपके पास कंडीशन ऐसा है कि कुल कार्य किया जाना है 51, और जब आप इसे बुला लिए तो यहां तक तो ए और बी कार्य कर ही रहे थे, ए को बुलाने के बाद बी के साथ अभी भी ए कार्य कर रहा है क्योंकि हमने उसे बुला लिया है, मतलब पूरे केस में ए और बी साथ कार्य कर रहे हैं, और कार्य कितना किया जाना है 51, तो उत्तर क्या आ जाएगा 51/5, यानी कि 10 सही 1/5, समझ में आ गया बात। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि आपको ये पता हो कि कितने कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले कोई कार्य छोड़ के जा रहा है, तो जो जा रहा होगा हम उसे दोबारा बुलाएंगे, बोलेंगे भाई तुम छोड़ के मत जाओ और दोबारा से काम करो, और अगर वो आएगा तो अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जितने दिन के लिए वो आएगा उतना एक्स्ट्रा कार्य करेगा, वो एक्स्ट्रा कार्य जुड़ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे उस टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये अभी तक जो क्वेश्चन थे एक एक करके हमने कंडीशन पे देखा, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि कंडीशन क्या थी, यहां से यहां तक इतने टाइप की कंडीशन आपके बन सकते हैं, एक क्वेश्चन को लेंगे और उसी क्वेश्चन पे मैं एक बार जल्दी से 5 मिनट सब रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी इसे 12 दिन में, और सी किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। सबसे पहला काम तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 60, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, इतना काम आपको गया। अब मैं कंडीशन नंबर वन कि कार्य शुरू होता है ना, कार्य शुरू होता है और 2 दिन बाद, ये आफ्टर का केस है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आफ्टर का केस है, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है और 3 दिन बाद या 4 दिन बाद बी चला जाता है।
अगर इस पे सॉल्व करेंगे तो बस यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे लाइन। कार्य शुरू करने कौन आ रहा है? ए बी सी तीनों आ रहे हैं, दो दिन तक कार्य कर रहे हैं, एक दिन में मिलके करेंगे तो 15 काम, दो दिन में करेंगे तो 15 दिन ना 30 काम, 30 काम खत्म हो जाएगा, काम बचेगा 30। अभी देखिए दो दिन बाद ए गया है और फिर चार दिन बाद यानी इसके अगले दो दिन बाद, तो कितना, चार दिन बाद कौन गया है? बी गया है। यहां से यहां तक कितना समय बीता? दो दिन समय बीता। इस दो दिन में कार्य करने वाले कौन होंगे? ए होगा और बी होगा। तो ए और बी होंगे तो मिलकर कितना कार्य करेंगे? 6, 5, 11, यानी दो दिन में करेंगे तो कितना? 22, यानी 30 और 22 कितना काम हो गया? 52 काम खत्म हो गया। काम बचा है 8, करने वाला कौन है? सी है, सी की कार्य क्षमता है 4, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा? 8/4, यानी कि 2। कंडीशन नंबर एक आफ्टर का केस है कि तीनों एक साथ कार्य करने आ रहे हैं, ए इतने दिन बाद जा रहा है, बी इतने दिन बाद जा रहा है, तो शेष कार्य कितने दिन में सी समाप्त कर लेगा। कंडीशन नंबर दो क्या हो सकती है कि आपको यह बता दिया जाए कि कार्य शुरू होता है और बिफोर 3 डे, कितने, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ के चला जा रहा है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? इसके लिए आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। यहां पे ए बी और सी तीनों आ रहे हैं, तीनों साथ कार्य करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले कौन चला जा रहा है? ए चला जा रहा है। तो अगर 3 दिन पहले ए चला जा रहा है तो हम ए को इस केस में, क्योंकि बिफोर का है तो दोबारा वापस बुलाएंगे। ए 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 6 × 18, है ना, 18 कार्य और कर लेगा, तो ये 18 कार्य टोटल में जुड़ जाएंगे, तो 60 + 18 कितना हो जाएगा? 78 कार्य हो जाएगा। अब इस 78 कार्य करने के लिए तीनों होंगे, तीनों की एफिशिएंसी 15 है, तो कितना हो जाएगा? 15। इसे सॉल्व करेंगे तो 15 × 25 = 75 और 3/15 यानी कि 1/5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितने का? टोटल काम करने का। अभी तीसरा केस, इसमें आफ्टर और बिफोर दोनों साथ में है, जो अभी डिस्कस किए। जैसे अभी मैं बोलूं कि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद आफ्टर 2 डे ए चला जा रहा है और बिफोर 2 डे या बिफोर 3 डे में बोल दूं बी चला जा रहा है, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कार्य करने कौन आ रहा है? तीनों आ रहा है, ए बी और सी, तीनों मिलके 2 दिन तक तो कार्य करेंगे ही, तो 2 दिन तक हम तीनों का कार्य निकाल लेंगे, कितना होगा? 1 दिन में 15, तो 2 दिन में 30, यानी 30 कार्य यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब ए चला गया है और 3 दिन पहले बी चला गया था, तो हम बी को बुला लेंगे, 3 दिन के लिए बी को बुलाएंगे तो कितना कार्य करेगा? 15, यानी 30 काम बचा था प्लस 15 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कितना कार्य हो जाएगा? 45, और इस 45 कार्य को करने के लिए बी और सी होंगे, तो 5, 4, 9, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो 5 दिन ये कार्य करने में, इससे पहले 2 दिन, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 7, इसका उत्तर आ जाएगा 7। तो ये कंडीशनल आपके थे, एक कंडीशन हो सकता है आफ्टर का, एक कंडीशन हो सकता है बिफोर का, और एक आफ्टर और बिफोर दोनों मिक्स करके पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहूंगा, क्वेश्चन आप लिख लीजिए और सभी लोग इसे करने की कोशिश करिएगा। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया कार्य को, तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? कुल समय निकालना है काम को खत्म होने में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। सभी के सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने और भी दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे परीक्षा प्लस पे UP SSC लोअर का, UPSI के लिए मैथ्स पढ़ाई जा रही है, हिंदी भी वहाँ पे मिल जा रहा है, रीजनिंग भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो उन्हें बताइए ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।